मॉर्निंग दोस्तों, आज की नई ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक में, सुबह का 6 बजा हुआ है। तो आज का मौसम बड़ा ही सुहावना है, तो आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। और ये देखिए, मेरे घर से जस्ट कुछ ही दूरी पर विशाल मैदान, और वो दूर में दिख रहा है, देख सकते हैं, ये कॉलोनी है सरदार जी का, बहुत ही बड़ा एरिया में बना हुआ। पहले गार्डन था वो, अब कॉलोनी बन चुका है। बहुत बड़ा मैदान है इधर, यहाँ तक देख सकते हैं। जो सामने दिख रहा है वो प्रिंसेस कॉटेज है, यहाँ का देख सकते हैं भाई, हरा भरा कितना अच्छा लोकेशन है। यहाँ पर पहले जलजली हुआ करता था, इसके अंदर कोई नहीं घुस पाते थे, अब सूख गया है और यहाँ कुछ पौधे उगाए हैं। ये प्रिंसेस कॉटेज है, जो कि मोशन नाम के यहाँ पर जेई नीट फाउंडेशन का कोर्स होता है, अगर आप करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। प्रिंसेस कॉटेज यहाँ पर पहले सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुला करता था, अब ये टाउन की ओर चला गया है। ये देखिए, मेरे घर के आसपास का लोकेशन है, बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा क्राउड नहीं है। दिख रहे सामने कामोदा विहार शादी घर है, बहुत ही अच्छा है, नज़दीक से दिखाऊंगा भी आप लोग को। ये कामोदा विहार का पार्किंग एरिया है भाई, बाहर देखिए कितना अच्छा है। वो कामोदा विहार है, मैं बाहर से ही दिखाऊंगा, अभी बंद है और अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये कामोदा विहार शादी घर बहुत ही अच्छा जगह में है, शांत वातावरण है, पार्किंग एरिया देख सकते हैं। रोड है, मेन रोड से दूर है, शांत है। यहाँ पर गेट बंद है, नहीं तो मैं आप लोग को अंदर जाके दिखाता, कभी दिखाऊंगा। यहाँ से देख सकते हैं लोकेशन अंदर पूरा, यहाँ का लोकेशन। आज पूरा बादल बादल है पूरा अंबिकापुर में, मौसम बड़ा सुहाना है, देख सकते हैं ठंड लग रहा है। और मैं तरफान के निकल पड़ा हूँ मरनी बाग में, देख सकते हैं पेड़ पौधों से भरपूर है हम लोग के मोहल्ला। गांधीनगर एरिया के सभी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए इसी रोड पर निकलते हैं, क्योंकि शांत वातावरण रहता है। अब मैं लगभग घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, और ये थोड़ी दूर में साई कॉलेज मिलेगा। ये बंगाली भाइयों का खेती करने का आइडिया देखिए, इसमें करेला लगा हुआ है और इसको सहारा देके इसको कैसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है, और करेला फूल भी लग रहा है। और देखिए, गर्मी में टमाटर लगा था कितना बड़ा एरिया में, अब देख सकते हैं भाई, बहुत मेहनती होते हैं। इसी चौक से वापस जाऊंगा, सीधा जाएंगे तो आपको डिगमा मिलाएगा, डिगमा पहुंचा देगा, और ये वाला रोड है तो साई कॉलेज पहुंचाएगा। यहाँ से महज 200 मीटर पर साई कॉलेज है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उस सामने थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, उसी मोहल्ला से मैं चल के आया हूँ, अब वापस जा रहा हूँ। ये है तुर्रा पानी रोड, इधर जाएंगे तो तुर्रा पानी बस्ती पड़ेगा,
अब मेरे को सीधा जाना है, अब मैं घर पहुंचने वाला हूं। हमारे घर के आसपास का रोड का हालत देखिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये देख सकते हैं मेरे दरवाजे के सामने ही कितना गड्ढा है, बनते बनते नहीं बन पा रहा है। अब मैं पहुंच गया घर। देखिए हमारे सरगुजा अंबिकापुर में इतना ठंड, आज है 19 मार्च और हम लोग 11 बज रहा है, आग ताप रहे हैं, इतना ठंडा है। अभी शाम हो चुका है और हम लोग को निमंत्रण है, अन्नप्राशन होने वाला है पड़ोस में, तो तैयार हो गए हैं हम सब और चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है। चल रही है रोशनी, देख और देख कहाँ कुछ गिफ्ट उफ्ट रखी है। गिफ्ट कहाँ है? हाँ छोड़ के मत चले जाना गिफ्ट।